नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या आपके प्यार ने आपको धोखा दिया है? आपसे किए गए सभी वादे तोड़कर किसी और से वादे कर रहे हैं या वादे निभा रहे हैं? आपका पति किसी और के प्यार में पड़ गया है, अब आपकी और आपके बच्चों की तरफ देखता भी नहीं है, या घर के कलेश इतने बढ़ गए हैं कि आपकी शादी टूटने पर आ गई है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में आप ढूंढते हैं कोई ऐसा अपना जो आपको एक सही सलाह दे, सही उपाय बताए, जिस उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन को सुधार सकें, अपने खोए हुए प्यार को वापस ला सकें। वो पति जो किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया है, वो उसको छोड़कर आप पर और आपके बच्चों पर पूरी तरह ध्यान दे। और ऐसा तभी होगा जब कोई आपको सही सलाह देगा, कोई आपको सही उपाय बताएगा, और वो सही उपाय आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं आपको वो सही उपाय बताऊंगी जिसे अपनाकर आप अपनी परेशानी का हल कर सकती हैं, जिसे अपनाकर आप अपने पति को अपने प्यार के जाल में वापस से बुला सकती हैं, अपने प्यार पर, अपने विश्वास पर, अपने आप पर भरोसा रखकर। अगर आप ये विधि करेंगी तो आपका कार्य सिद्ध ज़रूर होगा। ये कार्य जैसे ही आप करेंगी, वैसे ही ये कार्य इस तरह पूर्ण होगा, इतना शीघ्र पूर्ण होगा, और इसका असर इतना ही शीघ्र आपको दिखेगा कि आप ये कार्य करते ही इसका असर देखकर खुश हो जाएंगी कि इतने शीघ्र इस विधि के जो फल है उसकी उम्मीद तो मुझे थी ही नहीं। लेकिन ये कार्य इतना ही प्रचंड है, इसमें जो विधि है, जो मंत्र है, वो इतना ही सरल है कि अगर इसका प्रयोग सही समय पे किया जाए तो ये कार्य सही तरीके से सिद्ध होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको चाहिए थोड़े से दूध की आवश्यकता, आपको चाहिए एक थोड़ा सा आपको सिंदूर चाहिए होगा, थोड़ा सा चूना आपको चाहिए होगा, और एक कागज़ की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, एक कागज़ से आप किस तरह अपने प्यार को वापस पा सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। आपको जो रोली है, इसको आपको दूध की सहायता से कागज़ पर अपने पार्टनर का नाम लिखना है। जी हाँ, दूध की सहायता से आपने इस पर अपने पार्टनर का नाम लिखना है और इसको इस तरीके से पुड़िया बना देना है। अब इस पुड़िए को आपको अपनी तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। आपका जो तकिया है, जहाँ आप सोते हो, वहाँ आपको इसे रखना है। और ध्यान रहे कि डेढ़ दिन तक आपको इस पुड़िया को ऐसे ही रखना है, निकालना नहीं है। आप ऐसा रखिएगा कि सेफ रहे, ऐसा ना हो कि घर का कोई अन्य सदस्य इसे निकाल ले तो ये ख़राब हो जाएगा। इसे आप पिलो के कवर में भी रख सकते हैं, जैसे भी आप रखना चाहें इसे रख सकते हैं। और ये कार्य करते वक्त 21 बार आपको मंत्र का जाप भी करना है। अब आपको जब डेढ़ दिन बाद आप इस कागज़ को निकालेंगे, इस पुड़िया को निकालेंगे, तो चूने की सहायता से आपको उसको रगड़ना है, उस नाम को जो आपने लिखा है, इतना कि उसका कलर बदल जाए। जी हाँ, उसका कलर बदल जाए, उसको आपने इतना रगड़ना है। उसके बाद आपने इस कागज़ का तावीज़ बनाना है और अपने गले में पहन लेना है। और ये पूरा कार्य करते वक्त आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, या जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं। जी हाँ, ये कार्य करते वक्त उसका ध्यान करना बेहद ज़रूर है। और जैसे ही इसका तावीज़ बनाकर आप पहनेंगे, वैसे ही आप उसके सामने जाइए, उस व्यक्ति के सामने जाइए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, और आप देखेंगे जैसे जैसे उसकी नज़र आपके तावीज़ पर पड़ेगी, वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा, आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, इजहार करे बिना रह नहीं पाएगा, आपके बिना नहीं रह पाएगा। वो चाहेगा कि सारी उम्र, हर पल वो सिर्फ आपके आगे पीछे घूमता रहे और आपकी ही बातों को मानेगा। ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप सही तरीके से विधि करेंगे। और ये जो मंत्र है, ये आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर गुरुजी से प्राप्त करना है। गुरुजी से आपको मंत्र प्राप्त करना है और गुरुजी से बात करनी है कि मुझे इस विधि के लिए मंत्र चाहिए, तो गुरुजी आपको ग्रह और राशि के हिसाब से मंत्र बताएंगे।
क्योंकि सबकी ग्रह और राशि के हिसाब से मंत्र अलग अलग होते हैं, सबकी राशि अलग होती है, ग्रह अलग होते हैं, उसके हिसाब से मंत्र भी अलग होते हैं। तो मंत्र जो है वो ग्रह और राशि के हिसाब से अलग अलग हैं, तो उस मंत्र को गुरुजी से लीजिए और विधि को पूरा कीजिए और अपने जीवन में खुशियाँ लाइए। कोई और भी समस्या है जिसका सामना आप कर रहे हैं, जिससे आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए और अपनी हर परेशानी का हल लीजिए, क्योंकि गुरुजी के पास हर समस्या का मिनटों में समाधान होता है। बिना समय बर्बाद करें आप गुरुजी से बात करें और अपनी परेशानी को हल कर अपने जीवन को एक खुशनुमा माहौल दें, अपने घर को एक स्वस्थ, एक अच्छा वातावरण दें। जय माता दी।